नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जयस्ता न्यूज़। कुछ टाइम पहले एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था और ये वीडियो आप सब ने देखा होगा, क्योंकि ये वीडियो जो था वो सलमान खान और CISF जवान का था, जो कि एक एयरपोर्ट का था, जहां पर आप लोगों ने देखा था कि सलमान खान जिस टाइम एयरपोर्ट पर कहीं पर जा रहे थे, उसी टाइम उन्होंने जो लाइन है उसको ब्रेक करके बगल से निकलने की कोशिश की थी, लेकिन जो CISF का जवान वहाँ पर खड़ा था, जो कि वहाँ सिक्योरिटी चेक कर रहा था, उसने सलमान खान को वहीं पर रोक दिया और सलमान खान को बोला कि वो लाइन से अंदर जाए, जिसके बाद वो वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था। यही नहीं, लोगों ने CISF जवान की काफी ज्यादा तारीफ की थी, हर जगह पे लोगों ने इनको जो है तारीफ के साथ साथ इनको बोला था कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब जो अपडेट आ रही है वो काफी ज्यादा शॉकिंग है। आपको बता दूं कि इन्होंने मीडिया से बात किया, मतलब कि ये उड़ीसा के हैं तो उड़ीसा की ही मीडिया से इन्होंने बात किया, इससे रिलेटेड ही, मतलब कि सलमान खान के साथ में जो वो वाक्या हुआ था उससे रिलेटेड इन्होंने मीडिया से बात किया, जिसके बाद जो है इनके ऊपर कार्रवाई की गई और इनका जो फ़ोन है वो सीज कर लिया गया। अब आपको बता दूं कि ये इनका फ़ोन इसलिए सीज किया गया है कि इंश्योर करने के लिए कि आने वाले टाइम पे ये फिर से मीडिया से कोई कांटेक्ट ना करें। अब हो सकता है कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, आप सबको पता है आर्मी में, तो उसकी वजह से इनको मीडिया से बात करने के लिए मना किया गया होगा, जिसके बावजूद भी इन्होंने मीडिया से बात किया, तो इसलिए इनका जो फ़ोन है वो सीज कर लिया गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये आती है कि सलमान खान, जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक सलमान खान के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन वही जो एक आर्मी CISF जवान है उसने अपनी ड्यूटी निभाई, अपनी ड्यूटी निभा के अगर बाय द वे अगर मीडिया ने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ ही लिए और उन्होंने उसका जवाब दे दिया, तो ऐसा क्या हो गया कि उनका जो है फ़ोन ही सीज कर लिया गया और कार्रवाई करने की भी चांसेस है कि आने वाले टाइम पर हो सकता है कोई कार्रवाई भी हो सकती है। ये बहुत ही बड़ी बात है, जो कि अब पब्लिक इस पर रिएक्शन भी दे रही है और बोल भी रहे हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सलमान खान को वो उन्होंने रोका था वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं से एक बहुत ही सही ड्यूटी निभाई थी अपनी, उसके बावजूद भी अगर उन्होंने मीडिया से बात कर भी लिया तो इस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहिए कि उनका जो है फ़ोन सीज कर लेना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ में ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।